ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, जीवन में यदि कोई तनाव, डिप्रेशन या कोई ऐसे प्रश्न जो भविष्य को लेकर आपको परेशान कर रहे हैं या वर्तमान में आप कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, आपको सही दिशा दिखाई जाएगी। उसका फीस लागू है दोस्तों। राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजा और रंग दोनों बना देती है। लेकिन इस युग में अगर आप इस वक्त किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका विवाह नहीं हो रहा, दाम्पत्य नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं करता, हम तनाव में रहते हैं, जीवन में हम कितना मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके हिसाब से फल हमें मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं राहु को इंडिकेट करती है कि राहु की वजह से जीवन में कई सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। क्योंकि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के पीछे अगर लग जाता है तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, और व्यक्ति के पक्ष में हो जाए तो व्यक्ति को आबाद कर देता है। तो बर्बाद करने वाला जो उसका पहलू है वो बहुत हावी है इस युग में, क्योंकि राहु की एक खासियत है कि आप जिस चीज़ को चाहेंगे वो उसी को आपसे दूर करेगा। तो राहु एक व्यक्ति को इस तरह के ट्रबल में फंसा देता है कि केवल उसके पास स्ट्रगल और स्ट्रगल ही रहता है। तो आज जानिए कि राहु को प्रसन्न करें और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव पाएं। सबसे पहला काम करना है कि जो कुछ भी हो, एक खड़ा कोयला बाजार में मिलता है या लकड़ी का कोयला जो हम लकड़ी जलाने के बाद कोयला हमें प्राप्त होता है, दो में से कोई एक कोयला अपने पर्स में रखना शुरू करें। इसको रखने मात्र से राहु के कई सारे दोष स्वाभाविक खत्म हो जाएंगे। काल सर्प दोष की शांति आप नासिक में, त्रंबक में जरूर कराएं। पितृ दोष अगर आपके साथ है तो उसकी भी कराएं, क्योंकि ये सभी जो दोष हैं इनमें राहु का बहुत कुछ प्रभाव है, और इससे राहु के प्रभावित होने से जीवन में बहुत स्ट्रगल और तकलीफ होती है। तीसरा, आप शिव जी की उपासना करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें या राहु के जप करवाएं। ओम नमः शिवाय।